अज़रा तीसरा बाब। जब सातवां महीना आया और बनी इसराइल अपने अपने शहर में बस गए, तो लोग यकतन होकर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। तब यशु बिन योसदक और उसके भाई जो काहिन थे, और जोरबाबल बिन सालतियल और उसके भाई उठ खड़े हुए, और उन्होंने इसराइल के खुदा का मजबा बनाया ताकि उस पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाएं, जैसा मर्दे खुदा मूसा की शरीयत में लिखा है। और उन्होंने मजबा को उसकी जगह पर रखा, क्योंकि उन अतराफ की कौमों के सबब से उनको खौफ रहा, और वो उस पर खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां यानी सुबह शाम की सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाने लगे। और उन्होंने नविष्ठा के मुताबिक खैमों की ईद मनाई, और रोज की सोख्तनी कुर्बानियां गिन गिन कर जैसा जिस दिन का फर्ज था दस्तूर के मुआफिक चढ़ाई। उसके बाद दायमी सोख्तनी कुर्बानी और नए चांद की और खुदावंद की उन सब मुकर्रा ईदों की जो मुकद्दस ठहराई गई थीं, और हर शख्स की तरफ से ऐसी कुर्बानियां चढ़ाई जो रजा की कुर्बानी खुशी से खुदावंद के लिए गुजरानता था। सातवें महीने की पहली तारीख से वो खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाने लगे, पर खुदावंद की हैकल की बुनियाद हनूज डाली न गई थी, और उन्होंने मैमारों और भड़ैयों को नकदी दी, और सैदानियों और सौरियों को खाना पीना और तेल दिया, ताकि वो देवदार के लट्ठे लबनान से योफा को समुन्दर की राह से लाएं, जैसा उनको शाह फारस खौरस से परवाना मिला था। फिर उनके खुदा के घर में जो यरूशलेम में है आ पहुंचने के बाद दूसरे बरस के दूसरे महीने में जरबाबल बनी सालतियल और यशु बिन योसदक ने और उनके बाकी भाई काहिनों और लावियों और सबों ने जो असीरी से लौटकर यरूशलेम को आए थे काम शुरू किया, और लावियों को जो 20 बरस के और उससे ऊपर थे मुकरर किया कि खुदावंद के घर के काम की निगरानी करें। तब यशु और उसके बेटे और भाई और कदमियल और उसके बेटे जो यहूदा की नस्ल से थे मिलकर उठे कि खुदा के घर में कारीगरों की निगरानी करें, और बनी हंदाद भी और उनके बेटे और भाई जो लावी थे उनके साथ थे। सो जब मैमार खुदावंद की हैकल की बुनियाद डालने लगे, तो उन्होंने काहिनों को अपने अपने पैरहन पहने और नरसिंगे लिए हुए और आसिफ की नस्ल के लावियों को झांझ लिए हुए खड़ा किया कि शाहे इसराइल दाऊद की तरतीब के मुताबिक खुदावंद की हम्द करें। सो वो बाहम नौबत बानौबत खुदावंद की सताइश और शुक्रगुजारी में गा गा कर कहने लगे कि वो भला है, क्योंकि उसकी रहमत हमेशा इसराइल पर है। जब वो खुदावंद की सताइश कर रहे थे, तो सब लोगों ने बुलंद आवाज से नारा मारा, इसलिए कि खुदावंद के घर की बुनियाद पड़ी थी। लेकिन काहिनों और लावियों और आबाई खानदानों के सरदारों में से बहुत से उम्र रसीदा लोग, जिन्होंने पहले घर को देखा था उस वक्त जब इस घर की बुनियाद उनकी आंखों के सामने डाली गई,
तो बड़ी आवाज से चिल्लाकर रोने लगे और बुथेरे खुशी के मारे जोर जोर से ललकारे। सो लोग खुशी की आवाज के शोर और लोगों के रोने की सदा में इम्तियाज ना कर सके, क्योंकि लोग बुलंद आवाज से नारे मार रहे थे और आवाज दूर तक सुनाई देती थी।